मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद रहा। बता दें कि सचिवालय में मंत्रियों और उनके स्टाफ के लिए मुख्य भवन और मंत्रालय भवन में ऑफिस पहले ही अलॉट कर दिए गए हैं। पदभार ग्रहण करके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने पदभार संभाल लिया है। हमारे साथ मौजूद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, केंद्र में मंत्री रहे और अब राज्य में आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, बहुत उम्मीदें कर रही प्रदेश की जनता, किस तरह से पूरी करेंगे? स्वागत है प्रदेश की जनता की उम्मीदों का, उनकी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं, प्रदेश के लिए या देश के लिए काम करने का मौका मिलता है। भगवान के आशीर्वाद से कई बार मुझे ये मौका मिला। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अब ये जो जिम्मेदारी है इसको बिल्कुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर, बड़ी फंडिंग के साथ, योजनाबद्ध तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। एक एक योजना को हमें धरातल तक पहुंचाना है। और वो कारण ये नहीं है कि कोई वोट दे, ये कारण ये है कि हर व्यक्ति में ताकत है कुछ करने की, काबिलियत है कुछ करने की। हमें व्यवस्था देनी है उनको, हमें ऐसा माहौल बनाना है कि वो जितना आज कर पा रहे हैं उससे दो गुना चार गुना कल कर पाए। इसके लिए हम सड़क, पानी, स्वास्थ्य, ये सारा का सारा सुरक्षा, ये सारा वहां करेंगे और कटिबद्ध तरीके से। किस तरह से युवाओं के सपने साकार करेंगे? नकल और पेपर लीक माफिया जो है उसके खिलाफ किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे? माफिया को तोड़ा जाएगा। ये नकल माफिया अब बच नहीं सकती, उसके ऊपर अधिकारी लगा दिए गए हैं और जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मैंने मुख्यमंत्री जी को सुना था, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो ये लक्ष्य दे दिया गया है कि कोई पेपर लीक नहीं होगा। ये पहला कदम है युवाओं के लिए और बहुत से कदम उठाए जाएंगे। उनको अलग अलग योजना है, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजना ऐसी हैं जो युवाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने को आधार बनती हैं। सिंचाई और पेयजल बड़ी समस्याओं में से एक है, पानी की बड़ी किल्लत है। ERCP को क्या नेशनल स्टेटस मिलने जा रहा है? किस तरह की चर्चाएं हुई और किस तरह से राजस्थान और MP के चीफ मिनिस्टर्स मिलकर के इसका रेजोल्यूशन कर रहे हैं? जी, ये खुशखबरी है और आप सब सुन ही चुके होंगे। मुख्यमंत्री जी ने बात करी थी, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृतियां मिल गई हैं, जहां पर 13 जिलों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी और भी जिलों के लिए तैयारी चल रही है, उसका खुलासा मुख्यमंत्री जी करेंगे। मेरी चर्चा राज्यवर्धन के अलावा जवाहर सिंह बेढम ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। सचिवालय पहुंचने से पहले उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की और तब पदभार ग्रहण करने सचिवालय पहुंचे। जवाहर सिंह बेढम ने शुभ मुहूर्त पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान का विकास ही भजनलाल सरकार का लक्ष्य है। PM मोदी और CM शर्मा के नेतृत्व में हम राजस्थान को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सुनिए। सचिवालय में, मंत्रालय भवन में आज पदभार ग्रहण करने का काम जारी है। लगातार मंत्री जवाहर बेढम यहां पहुंचे हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की जनता, स्थानीय लोग, शुभचिंतक काफी तादाद में यहां मौजूद हैं। सर, आज आपने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह काम करेंगे? देखिए, पदभार ग्रहण तो तब होगा जब कोई विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जिस विभाग की मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस दिन हम पदभार ग्रहण करेंगे। आज मैं ऑफिस संभालने आया हूं, जो कमरा मेरे बैठने के लिए आवंटित हुआ है उसको देखने के लिए और उसमें बैठने के लिए और शुरुआत करने के लिए मैं आज श्री गणेश जी की पूजा करके इसमें बैठना शुरू करूं और जो यहां मेरे साथ स्टाफ लगा है उसे एक परिचयात्मक बैठक हो जाए। प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या लगता है आपको, किस तरह से विभागों का बंटवारा हो? आपका खुद का कोई निजी इंटरेस्ट या जो आला कमान की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से, संगठन की तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी वो करें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता की तरह उन्होंने काम शुरू किया और आज प्रदेश के मुखिया के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। पहले ही दिन से उन्होंने अपना विजन भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। वो जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी देंगे उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके साथ
कदम से कदम मिलाकर के हम राजस्थान के विकास में भागीदार बने। 100 दिन का टारगेट भी लिया है, सभी विभागों से कार्य योजना मांगी है और उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसे साथ। हाँ, मैं वही कह रहा था, उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना भी दी है और उन्होंने अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का एक संकल्प भी लिया है, उन्होंने पेपर लीक पर SIT का गठन भी किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर। खबर टोंक से है जहां मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल की न्याय यात्रा पर मदन दिलावर ने कहा, हो सकता है अन्याय यात्रा निकालेंगे राहुल, पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया गया, विदेश में PM के खिलाफ बोलना ठीक नहीं था। सुनिए। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया लेकिन उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, विदेशों में जाकर के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, देश की कई जो विचार थे उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं था। वह न्याय यात्रा तो क्या निकालेंगे, हो सकता है अन्याय यात्रा निकाल। तो वही कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बाबूलाल खराड़ी पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर BJP कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद खराड़ी भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो बेहद अहम है। इस दौरान बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने BJP पर जो विश्वास जताया है पार्टी उस पर खरा उतरने का काम करेगी। नाथ मेवाड़ के असली शासक वही है, हम तो मुनीम हैं और मेवाड़ का जब से शुरू हुआ राज्याभिषेक तब से उन्होंने केवल एकलिंग नाथ को ही शासक असली शासक माना है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में हमारे यहाँ के जो असली शासक है एकलिंगनाथ के दर्शन मुझे हुए हैं। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में नया कानून पारित करने का विरोध तेज हो गया है। राजधानी समेत प्रदेश भर में कई स्थानों पर लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नए कानून को लेकर वाहन चालकों ने जमकर विरोध किया है और इसे वापस नहीं लेने पर सख्त प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। आवंटित किए गए चैंबर आज कई मंत्री संभाल सकते हैं कार्यभार। 17 मंत्री मंत्रालय भवन और 5 मंत्री सचिवालय मुख्य भवन में बैठेंगे। नए साल में मनाया गया, देश भर में मनाया गया नए साल का जश्न। राजधानी जयपुर से लेकर